नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देख रहे हैं नागपुर इन्फो। चुनावी माहौल शुरू है नागपुर में, पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में। और आज हमारे साथ चुनावी मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है फॉर्मर पार्लियामेंट मेंबर नागपुर से अजय संचेति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि हमने शुरुआत की चुनावी माहौल के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आपका चुनावी समीकरण इस बार क्या कहता है? देखिए, पिछली बार चारों बड़ी पार्टियां जो राज्य की वो अलग अलग लड़ी थी चुनाव। आज भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी और छोटे दलों की अन्य एक महायुति हम के रूप में लड़ रहे हैं, तो विजय हमारी अभूतपूर्व होने वाली है, यही हमारा असेसमेंट है। काफ़ी सारे मुद्दे चुनाव में सामने आने वाले हैं या और आगे आ सकते हैं। महंगाई है, मंदी है, बेरोजगारी है, क्या ये सारी चीज़ें इस चुनाव में इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी? देखिए, ये जितने भी मुद्दे हैं ये हर चुनाव में आते हैं। जितनी भी विपक्षी पार्टी होती है, देश में वातावरण कितना भी अच्छा हो लेकिन इन मुद्दों को उठाए बिना वो रहती नहीं है, क्योंकि उसके बिना आज दूसरा चाहे सच्चाई कुछ और है जी। इसके अलावा लेकिन उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है जिसको लेकर वो लोगों के सामने जाए। आपने तीन चीज़ें कही, बेरोजगारी, मंदी और महंगाई। एक एक चीज़ पे बात करूँ, महंगाई अगर देखो, अगर आप होलसेल इंडेक्स देखें तो वो स्टेबल है। बेरोजगारी की अगर बात करें, निश्चित रूप से ग्लोबल इकोनॉमी में टर्मोइल है थोड़ा सा, लेकिन कुछ उद्योगों में अगर काम, जैसे ऑटो सेक्टर में फिलहाल थोड़ा काम कम हुआ, लेकिन FDI का जो फ्लो है $16 बिलियन इस देश में पिछले समय में आया है, तो कहीं ना कहीं आज इतना काम उसमें लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला है। अगर आप सम टोटल दोनों की मिलाकर देखें तो काम अगर 10% कम हुए होंगे तो 90% काम बढ़ा भी है पूरा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन मोदी जी के समय में बदल गई है। पहले एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता था नौकरी, लड़का पढ़ लिया उसको नौकरी मिल गई वो काम पे लग गया। मुद्रा योजना के मार्फत जितने लोन, आज 12 करोड़ से ऊपर हम लोन दे चुके हैं, ये सारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गया है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का ही तरीका है। एंटरप्रेन्योर बनना भी एक एम्प्लॉयमेंट है, मैं खुद के लिए खुद का एम्प्लॉय बन जा रहा हूँ, इसको हम कभी गिनते ही नहीं हैं। इसलिए समस्या आती है कि विपक्ष कहता है कि नौकरियां कम हो गई। नौकरियां 10 अगर कम हुई होगी तो 100 लोगों ने खुद के छोटे उद्योग शुरू कर दिए, आत्मनिर्भर हो गए हैं लोग, खुद एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। इसलिए बेरोजगारी जो है वो मेरे हिसाब से मुद्दा ही नहीं। हाँ, एक बात निश्चित है, जितना हो रहा है उससे और कर सकते हैं, उस दिशा में सरकार काम आगे कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट का जो नज़रिया है वो मोदी सरकार के राज में थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपका कहना ये था, तो मेरा इस पे ये सवाल आएगा कि जो लोन की जो सीमाएँ होती थी आज से तकरीबन 5 साल पहले, 5 साल नहीं, 3 से 4 साल पहले, वो सीमाएँ काफ़ी बड़ी मात्रा में होती थी, लेकिन आज की तारीख में लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा है। लोन लेने में काफ़ी सारी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ता है, आम जनता को सामना करना पड़ता है कि वो लोन ले लें, लोन से नए व्यवसाय की शुरुआत कर लें और अपने व्यवसाय को उपलब्धि पर पहुँचा दें, लेकिन वो लोन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया कि लोन मिल नहीं रहे हैं। लोन उनको नहीं मिल रहे हैं जिनको गलत तरीके से कागज बनाकर लोन लेने की आदत थी। मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितनी हैं उनमें लोन की कोई समस्या नहीं है। कागज आपके कंप्लीट होने चाहिए, मुद्रा लोन, उसमें तो बिना कोई गारंटी के लोन मिलता है। करीब करीब 42,000 करोड़ से ऊपर का लोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इसके अंदर में। इसलिए लोन समस्या कहाँ आ रही है? जो बड़े उद्योग है जिसको 10 रुपये का लोन लेना चाहिए था, जो 100 लेके बैठ गया और पैसा साइफन कर लिया, NPA अकाउंट कर दिया, दिक्कत ऐसे लोगों को हो रही है। और अभी बैंकों ने भी अपने प्रोसेस, अभी आप देख रहे होंगे लगातार रिजर्व बैंक जो है अपना रेपो रेट कम कर रहा है। रेपो रेट जैसे ही वो कम करता है, पहले क्या होता था, 0.25, थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट, 0.25 बेसिस पॉइंट्स रिजर्व बैंक सब्जेक्ट आपका रेपो रेट कम करता था। बैंकें उतना पास ऑन ही नहीं करती थी कस्टमर को, खुद करती थी 0.15, 0.1 अपने लिए रख लिया जाता था, ताकि उनके जो घाटे हैं वो कम हो और जो लोन को, जो NPA हो गए उसको कम करने के लिए। अभी वित्त मंत्री जी ने जो पिछले 1 महीने में जो 2 बड़ी घोषणाएं की हैं, अब जितने बैंक है, रिजर्व बैंक जितना रेपो रेट कम करता है, बैंक के सारा की सारा उतना आपका लोन का रेट कम करके पास ऑन कर देती है आगे में जी। इससे कम पैसे में आपको
कम ब्याज दर में आपको पैसा उपलब्ध हो जाता सही ढंग से पैसा लेने वाले को। खुद का छोटा उद्योग जिसको शुरू करना है और उद्योग एंटरप्रेन्योर बनना है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, और अगर समस्या है तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म है, अगर कोई त्रुटि है तो उसमें दूर जाके तुरंत उसको लोन दिलाने की व्यवस्था की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने हर शहर में उसका एक अपना सेल बना कर रखा, उसकी व्यवस्था बना कर रखी है कि अगर किसी को दिक्कत होती है तो उनके पास आए बैंकों और उनके बीच में बात करके उसको फैसिलिटेट करने का काम वो भी करते हैं। हमारे इस पूरे संवाद में नाम आया वित्त मंत्री जी का, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं फिलहाल में अभी। बीजेपी हमेशा ये कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि जो हमारी आंतरिक समस्याएं हैं, आंतरिक कला है, उसे बाहर में जा करके हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी बीच में बाहर गए हुए थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बाहर में बोली भारत के बारे में और सरकार के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। लेकिन वही काम अभी निर्मला सीतारमण जी ने किया है और उन्होंने ये बयान दिया है बाहर विदेश में जा करके कि जो रघुराम राजन सर थे RBI गवर्नर पहले, और मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम पे बैंकों की दुर्गति हो रही थी, लेकिन वो दुर्गति को हमने बाहर निकाला है मोदी सरकार ने, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इंग्लिश में कहावत है न्यूटन्स थर्ड लॉ, देयर इज ए रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। हमने कोई भी नई चीज़ नहीं कही वहाँ जाके, या अपने देश की बात बाहर बताने की बात नहीं है इसके अंदर में। मैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो फॉर्चुनेटली मुझे उस समय की सरकार ने मौका दिया, पार्टी ने मौका दिया कि मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में एज ए बीजेपी मेंबर MP रिप्रेजेंट करूँगा। इसलिए इन विषयों को नज़दीक से मैंने देखा, उस समय RBI गवर्नर रघुराम राजन ही थे। इसलिए निश्चित रूप से इसमें कोई संकोच नहीं। उन्होंने एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहा है, ग्लोबल फोरम के ऊपर जब ये कहा जाता है कि देश की स्थिति ये ठीक नहीं है, बैंकों में ये ठीक नहीं था, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा कि पहले ठीक नहीं था, आज हम उसको करने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोई देश की बदनामी नहीं है इसमें, पूर्व प्रधानमंत्री एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं और एक अच्छे इकोनॉमिस्ट रहे हैं, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। लेकिन उनके 10 वर्षों के कार्यकाल में जो आखिरी के 5 साल थे, क्या उन्हें निर्णय लेने की छूट थी? निर्णय कहीं से और लिया जाते थे, एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन गए थे, इसलिए अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। उसको इतनी ज़्यादा चौपट कर दी कि आज उसको लाइन पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार को इतने कड़े निर्णय लेना पड़ रहे हैं कि कभी कभी उसमें कई लोगों को तकलीफ भी होती है। लेकिन करें क्या, बिगड़ी हुई गाड़ी को अगर आपको ठीक करना है तो कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, वो हम ले रहे हैं और उससे कई चीज़ें पटरी पर आ रही है। कड़े निर्णय से मैं आपसे एक ये सवाल करना चाहूँगा कि रघुराम राजन जी, उनका रेजिग्नेशन, उसके बाद उर्जित पटेल जी जो कि भाजपा सरकार द्वारा ही बिठाया गया एक RBI गवर्नर था, उनका रेजिग्नेशन, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अर्थव्यवस्था में तो ये लोग अपने आप अपनी कुर्सी को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? पहली बात तो आप समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, सरकार का उसमें डायरेक्ट दखल कभी भी नहीं रहता है। इसलिए लोगों का आना जाना ये प्रक्रिया है, कहीं पढ़ाते थे, यहाँ आए, काम किया, सम्मान हमने दिया उनको, ऐसा लगा उनको कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, RBI गवर्नर ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया। नए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, वो पहले भारत सरकार के वित्त सचिव रह चुके हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। लोगों का आना जाना चालू रहेगा, लेकिन जो पॉलिसीज हैं जिस पर देश काम करता है वो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, और कॉम्पिटेंट एक आदमी जाता है तो उससे बेहतर दूसरा आ जाता है। ये एक प्रक्रिया है, ये लोगों का आना जाना, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कभी भी। ऐसा है कि सरकार जो चाहती है, जिस स्पीड से चाहती है, मोदी जी का एक बात आपको समझ लीजिए, देश हित में लोगों के लिए अगर कोई कल्याणकारी निर्णय उनको लेना है, उनको समझना है, और आप अगर उनकी स्पीड से चल नहीं सकते हैं तो बेहतर है कि आप अपना काम करिए और उनको अपना काम करने दीजिए। वो किसी भी प्रकार लोक कल्याणकारी निर्णय जो भी लेना है उसमें वो देरी बर्दाश्त नहीं करते, ये उनका मूल स्वभाव है। आप गुजरात से उनको देखते आइए और पिछले 5 साल का भी कार्यकाल उनका देख लीजिए। इसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल रहेगा कि क्या नितिन गडकरी जी जो हैं उन्होंने नागपुर के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है? क्योंकि मैंने देवेंद्र फडणवीस जी के काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे और काफ़ी गौर किया, उनका हर इंटरव्यू में एक ही चीज़ बोलना था कि जो भी विकास हुआ है नागपुर में, महाराष्ट्र में, वो मैंने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और वही चीज़ उनकी बदल जाती है जब वो गडकरी जी के साथ होते हैं।
वो मोदी जी को साइड में रखते हैं, फिर वहाँ पर वो गडकरी जी को सामने रखते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कंफ्यूजन क्या है। नेतृत्व गडकरी जी या फडणवीस जी के लिए, दोनों के नेता मोदी जी हैं। एक प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, एक देश में मोदी जी के कैबिनेट में एक सीनियर मंत्री, मजबूत मंत्री के रूप में है। देवेंद्र जी ने हर मंच से हमेशा ये कहा है कि डेवलपमेंट जो भी हुआ है वो महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार ने साझा किया है। नागपुर में 72,000 करोड़ के काम सिर्फ नागपुर में चल रहे हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं द्वारा आए हैं। जॉइंटली दोनों के एफर्ट से यहाँ सारी योजनाएं आई हैं। यहाँ से कोई प्रपोजल जाता है, मजबूती से उसका, उसके पीछे लगना, उसका फॉलोअप करना, उसको लेके आना। कोई आइडिया नितिन जी को अगर आती है, उसको सीएम से डिस्कस करके, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, मोदी जी और नितिन जी में बन नहीं रही है ये कन्फ्यूजन क्रिएट करना, फडणवीस जी और नितिन जी में बन नहीं रहे कन्फ्यूजन क्रिएट करना। नहीं, ये सारे कॉम्पिटेंट लोगों की टीम है। ये चीज़ें दिखाई भी देती हैं ना, चुनाव से पहले जो नागपुर में आम सभाएं होती थी जिसमें मौजूद नितिन गडकरी जी भी होते थे और देवेंद्र फडणवीस जी भी होते थे, तो उस मंच से देवेंद्र फडणवीस जी हमेशा बोलते थे कि मैंने काम किया है नितिन जी गडकरी के नेतृत्व में। लेकिन आज आप जो दूसरे चैनलों के शिखर सम्मेलन होते हैं, राजतिलक होते हैं, काफ़ी सारी सभाएं होती हैं उनकी, काफ़ी सारे मीटिंग्स होते हैं उनके, वहाँ पर ये चीज़ उनके मुँह से कभी सुनने नहीं मिलती है। इसलिए ये लोगों ने ट्रेंड बना करके रखा हुआ है कि क्या सही में फडणवीस जी मोदी जी को फॉलो करते हैं या फिर फडणवीस जी की गडकरी जी के साथ बिल्कुल नहीं जमती है। देखिए जी, मोदी जी का जो नेतृत्व है वो एक विश्व नेता बन चुके हैं, हमारे तो नेता ही सभी के वो। और मैंने आपको पहले भी कहा कि गडकरी जी के नेता भी मोदी जी हैं और फडणवीस जी के नेता भी मोदी जी हैं, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितने शिखर सम्मेलन होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि उसमें पूछने का जो अंदाज होता है ना, उससे जवाब निकलता है हमेशा। लेकिन फडणवीस जी ने हर मंच से हमेशा ये साझा किया है कि नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में निश्चित रूप से राज्य सरकार तो अपना काम तीव्र गति से कर रही है, लेकिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री और उनके अपने प्रभाव से महाराष्ट्र में लाई गई योजनाएं, इन दोनों का योगदान है। और इन दोनों के जो लाई हुई योजनाएं और जो कार्य पद्धति है इनकी, उसको मोदी जी का आशीर्वाद है। इसलिए कहीं कन्फ्यूजन का कारण नहीं है। ये जो है मैंने आपको जो बता रहा था, ये लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली कहीं ना कहीं कुछ मीडिया के लोग, और कहीं ना कहीं क्योंकि कैसा है आजकल, अच्छी चीज़ें जो होती है उसको अखबार का चौथा पन्ना मिल जाता है, फ्रंट पेज के लिए कोई कंट्रोवर्शियल न्यूज़ चाहिए होती है, वो इन लोगों से मिलती नहीं है, इसलिए इसको क्रिएट करने का प्रयास होता है, ऐसा मेरा दृढ़ तरीके से मानना है। मेरा अगला क्वेश्चन भी फडणवीस जी से रिलेटेड ही रहेगा। विधानसभा चुनाव 21 तारीख को नागपुर में होने वाले हैं और 24 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आ जाएगा और आपके हिसाब से, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि भाजपा की सरकार स्थापित हो जाएगी जो कि युति है शिवसेना और रिपाई के साथ, दशहरे के दिन शिवसेना से संजय राउत जी ने ये घोषणा की है कि अगले साल का रावण दहन प्रोग्राम में शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, इस बार शिवसेना मौका लेगी और मुख्यमंत्री शिवसेना का ही बनाएगी, तो इस चीज़ से क्या समझ आता है? देखिए, हर पार्टी को बढ़ने का उनको बढ़ने का पूरा हक है, इसलिए उन्होंने उनकी इच्छा जाहिर की है। लेकिन ये जो महायुति है, ये भाजपा, शिवसेना, रिपाई और जो छोटे दल हैं उनकी मिलके बनी हुई है। हम दोनों पूरी एक साथ एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि ऊपर नरेंद्र और नीचे देवेंद्र, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हम लोगों को नहीं है। कन्फ्यूजन नहीं है सर, लेकिन आरे जंगल के जो पेड़ काटे गए अभी फिलहाल उसमें जितनी कट्टरता से पूरा विपक्ष खड़ा था बीजेपी के लिए विरोध में, उतनी ही कट्टरता के साथ में शिवसेना भी खड़ी थी कि नहीं, आप आरे जंगल में पेड़ नहीं काट सकते, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं जिसको लेके मतभेद हो जाते हैं, और हर व्यक्ति को अपनी पार्टी पे का जो मत है उसको व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन आपने देखा होगा, दृढ़ता से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आज उस वहाँ जो मेट्रो के जो कारशेड बनाने की बात है उसकी आवश्यकता क्यों है करके,
एनवायरनमेंट के लिए जितना काम इस सरकार ने किया होगा, शायद ही पिछले 50 साल में जितना काम नहीं हुआ प्रोटेक्ट करने का और नए तरीके से डेवलप करने का, उतना 5 साल में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार किया है। लेकिन एकाध इशू के ऊपर में कभी कभी मतभेद हो जाता है, उसको दूर करने में समय लग जाता है। माननीय न्यायालय ने उसको ठीक माना, हमने जितना कटिंग करना था वहाँ पे ट्रीज की कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल उसको रोका हुआ है, पूरी सुनवाई होने के बाद वो जो निर्णय करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर हम काम करेंगे पूरा की पूरा। ये छोटे मोटे मतभेद जो है ना, अल्टीमेटली ये अलायंस है, हम दोनों एक पार्टी नहीं है। ये अलायंस में कभी कभी कुछ विषयों के ऊपर लेकिन इस मतभेद को मनभेद नहीं मानना चाहिए। मतभेद तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं वो बयान भी आपको बताना चाहूँगा और किसने दिया था यह बयान, मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको। मुंबई से MLA हैं मनीषा कायंदे जी, शिवसेना की, उन्होंने ये बयान दिया था और बहुत गलत तरीके से इस बयान को सामने रखा उन्होंने कि चोरों के तरीके से आरे के जंगल के पेड़ काटना, ये जो BJP ने किया है और जो महाराष्ट्र सरकार ने किया है, ये बिल्कुल सही नहीं किया है। ये चोरो वर्ड यूज़ करना कहाँ तक के सही था आपके गठबंधन में रहते हुए? मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो मैंने वो स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो वो ये शायद भूल रहे हैं कि सरकार महाराष्ट्र में आज भी गठबंधन की है, इसलिए किसके लिए क्या कहना चाहिए इसकी मर्यादाओं का पालन हरेक को करना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा, 370 का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, 370 हटी, बहुत अच्छी चीज़ थी कि भाजपा सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको हटाया, लेकिन चुनाव प्रचार में उसका बार बार उपयोग किया जाना, ये किस हद तक के सही है? आप मुझे एक बात बताइए, देश हित में इतना बड़ा निर्णय लिया गया, 3 तलाक का निर्णय हुआ, उसके बाद में 370 हटाया गया, ये निर्णय क्या सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, ये देश के निर्णय नहीं है? और जिस सरकार ने लिए वो क्यों लिए गए, इसको लोगों तक पहुंचाना क्या गलत है इसके अंदर में? 370 क्यों रखा, इसका एक उदाहरण बता दे कि ये देश के लिए बहुत अच्छा है इसलिए 370 रहना चाहिए पूरे। जिस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान ये बरसों तक चलते रहे, जिस आपने 370 का अगर विश्लेषण देखा होगा जो पूरे देश में अलग अलग जगह किया जा रहा है, क्यों 370 हटाया गया? बच्चों को मौलिक शिक्षा का अधिकार जो भारत सरकार का कानून है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, बाल विवाह रोकने की पद्धति जो कानून बना हुआ है देश में वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, हम जो केंद्र से पैसा जाएगा डेवलपमेंट के लिए उसका हिसाब केंद्र पूछ नहीं सकता, ये इसलिए 370 जो था, 370 उस समय की आवश्यकता क्यों थी? सारे राज्य जितने भी प्राइवेट स्टेट्स थी वो सारे मिला लिए गए, ये एक ही छोड़ दिया गया। नेहरू जी ने कहा था कि इसको मैं खुद देखूंगा क्योंकि मैं वहीं से आता हूं, उसको उन्होंने ठीक तो किया नहीं, उल्टा जितना नुकसान हो सकता था वहाँ के लोगों का, एक तरीके से लोगों में इतने वर्षों में भावना एक डेवलप हो गई कि हम देश से अलग हैं, इसलिए हम चाहे कुछ भी कर ले। अकाउंटेबिलिटी ये मोदी सरकार का सब में बड़ा चीज़ अगर कोई है, चाहे वो पार्टी का व्यक्ति हो, कैबिनेट का व्यक्ति हो या देश का व्यक्ति हो, जिसकी जो जिम्मेदारी है अगर वो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं रखेगा उनको वो चीज़ मंजूर नहीं है। इसलिए ये देश पे लगा हुआ लांछन था, कलंक था जो इस सरकार ने हटाने का साहस दिखाया, इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों का अभिनंदन करता हूँ। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा आज की तारीख में नागपुर के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल बना हुआ है और बहुत गर्म है वो सवाल, चंद्रशेखर बावनकुले जी का पत्ता काटा जाना, ये इसको आप किस रूप से लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें कार्यकर्ता जो होता है उसको अलग अलग तरीके से काम करने की जवाबदारी दी जाती है। आपको ये 5 और 6 नाम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये मंत्री थे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जो विधायक थे उनके भी टिकट कटे। इसको मैं बड़ा सिंपल उदाहरण आपको बताता हूँ, 2012 से 2018 तक मैं सांसद था, 2018 के बाद मैं नहीं रहा, इसका मतलब कोई मेरा पत्ता कट गया ऐसा नहीं है, आज भी मेरे पास में पार्टी ने बहुत काम दिया हुआ है। अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों ने काम करना ये समय समय की जिम्मेदारी है। बावन को एक मजबूत नेता है, जमीन पे जिनकी पकड़ है, आपको आश्चर्य होगा कि पिछले बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे में वो आधे दिन उनके साथ में थे, कल फिर उनका खापरखेड़ा में सावनेर में जो सभा है उसके जो इंचार्ज हैं वो बावन कुए जी खुद है, इसलिए इसको इस तरीके से नहीं देखना, ये कोई उनको सजा नहीं दी गई है, उनका फिलहाल रोल बदल दिया गया है, इसलिए कोई उनकी लीडरशिप न कम की होती है न उसको कम करके आंका जाना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि हटाया जाना ये कहीं का सोल्यूशन नहीं था उनका, लेकिन
तकरीबन टिकट कटने के दो दिन के बाद तक, तकरीबन दो दिनों तक उन्होंने इस चीज़ का दुख जताया भी। उनके सारे कार्यकर्ता रोड पे उतर गए, काफ़ी ज़्यादा फसाद हुआ, लेकिन उसके बाद सडनली उनका बयान चेंज हो गया कि मैं पार्टी के निर्णय से सहमत हूँ और जो भी पार्टी मेरे लिए सोचेगी और अच्छा सोचेगी। ये तुरंत बयान में बदलाव आना थोड़ा सा समझ में नहीं आता, इसलिए सवाल उठता है बार बार। नहीं, मैं आपको वापस बताता हूँ, उनका कोई बयान ऐसा नहीं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है। उनके जितने वीडियोज़ हैं, जितने बयान हैं, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसको जाति के रूप में, इसको लोकल इश्यूज के रूप में कहीं नहीं देखना और हर एक को बीजेपी का काम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन कोई व्यक्तिगत कारणों से वो घर पे रहे होंगे, लेकिन उसके बाद पूरी ताकत के साथ में मैदान में, और जो उनकी जिम्मेदारी पहले तय हुई थी कि पूर्व विदर्भ को पूरा वो देखेंगे, पूरे ताकत से वो घूम रहे हैं। एक दिन घर में चार घंटे से ऊपर नहीं रह रहे हैं, वो लोगों को जिताने के लिए, अपना काम पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, गठबंधन की कितनी सीट्स इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आने की आपको उम्मीद है? मुझे, मेरा दृढ़ विश्वास है सम्माननीय मोदी जी का नेतृत्व केंद्र में, उनकी गाइडेंस, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, नड्डा जी, इनका नेतृत्व, इनकी गाइडेंस और सक्षम सरकार जो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में 5 साल जिसने विकास का काम किया, इन सारी चीज़ों को देखकर आप देखेंगे। 2/3 मेजॉरिटी के बारे में तो हमें शंका ही नहीं है, मुझे डाउट है कहीं ना कहीं देश की जनता इतना बड़ा फैसला ना कर दे कि 3/4 मेजॉरिटी दे दे और जो विपक्ष है उनके कितने लोग धराशायी कहाँ हो जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ टाइम व्यतीत किया और काफ़ी सारी जो हमारी समस्याएं थी और उलझनें थी उसे आपने सुलझाया। ये थे अजय संचेती जी, जिन्होंने हमारे साथ आज बड़ी संजीदगी और बेबाकी से बातचीत की और उम्मीद जताई कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार सीट महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा, शिवसेना और रिपाई गठबंधन की आएगी।